मेरी बात सुनो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं जैसे आप उनके बेटे हैं तो उनकी इज्जत करना आप पर लागू है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं उनकी इज्जत करूं। अपने फर्ज खुद निभाई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड मुझे चाहिए। अगर तुमने नहीं बताया, मैं खुद मालूम कर लूंगा। सलार के कमरे में सितारा को निमी ने भेजा था। जिसे प्यार करते हैं ना अम्मी, उसे जलील होते हुए नहीं देख पाते। लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सितारा से मोहब्बत नहीं करता था। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, आपके बेटे का चमचा है। तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेके क्यों आया था? मुझे क्या पता, हो सकता है आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। मेरा बेटा इतने थर्ड क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका बेटा दो मिलाने वाले कुत्ते को देखकर तो खुश होता है ना। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो कहीं ना कहीं और से पता करवा लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सितारा को कोई नुकसान पहुंचाया तो? एक्सक्यूज मी, मेरे डैड कोई थर्ड क्लास ड्रामे के किरदार नहीं है जो अपनी बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ साजिशें रचाएंगे। सबा, वो उसकी मालूमात ले रहे थे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका बायोडाटा निकलवाना जरूरी होता है क्या? जिनको नुकसान पहुंचाना होता है ना, उनका बायोडाटा निकलवाया नहीं जाता, मिटवाया जाता है।